वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसे एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, तो आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में जो मेन जो रिवॉल्व करता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा इसी ट्रायंगल के चारों ओर करता है 90 डिग्री। ठीक है, ए बी सी पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इसी के चारों ओर घूम रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस, अच्छा, इस ट्रायंगल में कुछ चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, हम ये मानते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, परपेंडिकुलर हमेशा और हमेशा एंगल पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये एंगल पूछा है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, बट अगर ये एंगल पूछा है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखिएगा। जिस टाइम ये पूछा है परपेंडिकुलर बेस, जिस टाइम ये पूछा है परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन ये हमेशा समान होगी। हाइट एंड डिस्टेंस में दो कोण होते हैं, यहां पे खड़ा होके कोई आदमी यहां पे रखी हुई चीज को, माना यहां पे खड़े होके किसी पक्षी को देख रहा है, किसी टावर को देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, तो समय जो कोण बनाएगा उस कोण को बोलते हैं एली वेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन। लेकिन जब आदमी यहां पे खड़ा है और यहां से किसी गाड़ी को, आदमी को, बच्चे को, कुछ भी देख रहा है, तो उस टाइम जो कोण बनेगा यहां पे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, एक को उन्नयन बोलते हैं, एक को अवनयन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। जब आप प्रश्न हल करोगे उस समय देखिएगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों क्या हैं, दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए प्रश्न हल कर लेते हैं इस पे। ज्यादा दो या तीन टाइप के ही प्रश्न आते हैं इस पे, और जो मैक्सिमम टाइम पे पूछा गया है वो एक प्रश्न है कि एक पेड़ है सीधा खड़ा है, आंधी में वो अपनी कुछ ऊंचाई से टूट गया। कई बार ये कहा होता है अपने आधे से टूट गया, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा प्रश्न में, कुछ ऊंचाई से, कुछ ऊंचाई एच से टूट गया और टूट के जमीन में उसका सिरा गिर गया। जमीन पे जहां पे सिरा गिरा है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी है 10 मीटर। तो आपको हाइट ऑफ ट्री ये निकालनी है। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, जितना ये परपेंडिकुलर और ये कर्ण होगा, टोटल हाइट इतनी होगी ना, टूट के तो यही आया है, तो क्या हो जाएगा, छोटा एच प्लस बड़ा एच, ये जितना आएगा उसकी हाइट होगी। अब देखिए, हमें छोटा एच भी निकालना है और बड़ा एच भी निकालना है, और हमें दो चीज दी है। अगर 30 कोण यहां दिया है तो ये क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर। तो देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद होगा, आपने यहां से निकाला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपने वहां से निकाला है। अब देखिए, अब यहां कीजिए tan 30, tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर है एच, बेस है 10। ठीक है, टेन थीस का मान 1/√3 एच बटे 10, तो यहां से एच कितना आ जाएगा, 10/। ठीक है, हाइट निकल गई। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये हाइट क्या थी, परपेंडिकुलर, अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज के लिए क्या आ जाएगा, अभी मैंने ये वाला सूत्र लगाया, अब मैं ये वाला लगाता हूं, कॉस 30 बराबर बेस बटे हाइपोटेन्यूज। ये टेन के लिए, ये कॉस के लिए, साइन के लिए, उल्टे में देखेंगे तो ये कॉट के लिए, सेक के लिए और कॉसेक। ठीक है, कॉस 30 बर्गमूल 3/2, बेस है 10, एच निकालना है तो एच कितना आ जाएगा, 20/√3। अब पूछा हुआ है हाइट ऑफ ट्री, हाइट क्या जाएगी, 10/√3 धन 20/√3, तो टोटल जोड़ के कितना आ रहा है, 30/√3। अब आप आंसर इतना नहीं छोड़ सकते हो, आपको ये हल करना पड़ेगा।
हल करने के लिए आपको ऊपर और नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 30 अंडर रूट 3 बटे 3, 3 संख्या 30, 10 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि ये पूरा पेड़ कितने का था, 10 अंडर रूट 3 मीटर की हाइट का। ये एक टावर है, यहां पे एक शिप शिप है, यहां पे खड़ा आदमी इस शिप को देख रहा है, ठीक है, और जो कोण बन रहा है उसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का, वो 15 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 15 डिग्री यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें निकालनी है, और यहां से यहां तक की दूरी है 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर का टावर है हमारा, और हमें यह पता करना है कि टावर के बेस से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, तो ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री होगा, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, 10 वाला, 10 15 डिग्री बराबर 60 बटे एक्स, ठीक है, तो इसको हल कीजिए। अब 10 15 का मान तो हमें पता नहीं होता है, तो 10 15 को कैसे करोगे, 10 45 माइनस 30 बराबर 60 बटे एक्स, अभी बन गया 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी का सूत्र लगाइए और आंसर निकालिए, तो हो जाएगा 10 45 माइनस 10 30 बटे एक धन 10 45 10 30 बराबर 60 बटे एक्स, 10 45 का मान 1, 10 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3, एक धन 1 गुणा 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर 60 अपॉन एक्स, ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 60 बटे एक्स, इससे ये कटा, एक्स का मान निकाल लीजिए 60 अंडर रूट 3 धन 1 बटे अंडर रूट 3 ऋण 1। आपका आंसर इतना भी छोड़ा हुआ हो सकता है और इसको आगे हल भी कर सकते हैं, हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जैसे अभी पहले वाले प्रश्न में किया था, वो आप लोग कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैं आगे कर लूंगा। या फिर कई बार आपको ये कहा होता है कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की छत पे एक लड़का खड़ा है, वो नीचे जमीन पे खड़ी है कार, रुकी हुई कार को देख रहा है, बिल्डिंग की ऊंचाई है 10 मीटर और जो ये है 5 मीटर, ठीक है, तो ये पूछा गया है कि जिस कोण से देख रहा है वो कोण कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, सूत्र ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, टेन थीटा बराबर 10 बटे 5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 5 दुनी 10 2, थीटा बराबर 10 इनवर्स 2, ये इसका आंसर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है अगर ये दोनों बराबर हैं, टेन थीटा बराबर ये भी 10 है और ये भी 10 है, माने ये भी 10 है और ये भी 10 है, तब कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। अब एक चीज ध्यान रखिए, टेन इनवर्स 10 45, 10 का मान 1 आता है कितने पे, 10 45 पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 2 आता है या नहीं आता, इसलिए हम उत्तर उतने पे ही छोड़ देंगे, इसको आगे हल कीजिए, तो इससे ये करता है थीटा बराबर 45 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में थीटा बराबर 45 डिग्री आएगा अगर दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर अलग अलग हैं तो आप उतने में उत्तर छोड़ोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर इसमें कुछ और प्रकार के प्रश्न करवाने हो तो आप बताइएगा, थैंक यू।